हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। और यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा के पतोर गांव में नाबालिग लड़की की मौत पर घंटों हंगामा बरपा है। एसएसपी बाबूराम स्वयं मामले की जांच के लिए पतोर पहुंचे हैं। दरभंगा जिले के पतोर ओपी क्षेत्र के पतोर गांव के सूरजपुर टोल में एक नाबालिग लड़की की मौत पर ग्रामीणों ने घंटों बवाल काटा है। ओपी पर भी पहुंचकर प्रदर्शन किया है लोगों ने। बताया जाता है कि मृतक नाबालिग लड़की अपने ही गांव के अर्जुन मिश्रा के आम बगीचे में आम चुनने गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। मौत पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की आम के बगीचे में गई, लेकिन काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तो परिजन ग्रामीणों के साथ अर्जुन मिश्रा के कैंपस में जाने लगे। अर्जुन मिश्रा के परिजन उन लोगों को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। ग्रामीणों ने जब जबरन कैंपस में प्रवेश किया तो देखा कि लड़की की लाश को बगीचे में छुपा कर रखा गया है। इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बगीचे के मालिक के घर में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से भीड़ पर तत्काल तो काबू कर लिया गया, लेकिन भीड़ पतोर ओपी पर जमा हो गई। आक्रोशित भीड़ का कहना है कि अर्जुन मिश्रा ने ही अपने परिजनों के साथ मिलकर उस लड़की को जान से मार दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका कारण क्या है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। लोग तरह तरह की बात भी घटना इस पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम पहुंचे हैं घटना स्थल पर और वहां उन्होंने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा है कि अशोक पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी 14 साल की यह बच्ची आज सुबह अर्जुन मिश्रा के कैंपस में आम चुनने गई थी, जहां उसकी लाश बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि अर्जुन मिश्रा अपने बगीचे को बिजली के तार से चारों तरफ से घेर कर रखता था। उस तार में बिजली का करंट भी था। हो सकता है कि भागने के क्रम में लड़की को करंट लग गई हो और उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि लड़की के गले के पास जले के निशान भी हैं। फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। इस बड़ी खबर पर बनी है हमारी नज़र। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे हम सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय। देखते रहिए न्यूज़ टुडे दरभंगा। अपोर गांव में आज सुबह में एक 12 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है। घर से 100 मीटर दूर पर एक पड़ोसी का घर है, उसके घर के पास में एक बगीचा है। उस बगीचे में ये बताया जा रहा है कि बच्ची आम चुनने के लिए सुबह घर से गई थी और जिसका घर है उस व्यक्ति ने तथा उसकी पत्नी ने बच्ची को आरोप है कि हत्या कर दी बच्ची की। लेकिन घर के आसपास में चारों तरफ बिजली का तार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि इन्होंने अपने घर और बगीचे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तार लगाकर उस पर करंट छोड़कर रखते थे। इस बात की भी संभावना है कि बच्ची को जब उधर गृह स्वामी ने डांटा या देख लिया तो बच्ची ने हो सकता भागने की कोशिश की और इस बीच में वो बिजली के तार से टकरा गई। उसकी गर्दन पे एक जलने का निशान भी है, तो इस बात की संभावना लगती है कि हो सकता है करंट लगने से बच्ची की मृत्यु हुई है। और उसके बाद में जो घर के स्वामी हैं, उनकी पत्नी है, उन्होंने बच्ची की लाश को अपने बगीचे में ही छिपा दिया। और जब घर वाले पूछने गए तो घर वालों से भी कहा, काफ़ी कहा सुनी करके उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली घर वालों ने अंदर इनके कैंपस में एंटर किया और उन्होंने जब लाश देखी तो उन्होंने हंगामा किया, फिर पुलिस को सूचना दी। तो अभी इंक्वेस्ट की कार्रवाई हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है।